नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आयशर 2080 एटी एक्स कमर्शियल ट्रक के बारे में और यह है इस ट्रक की चाबी एंड इसके ऊपर आपको आयशर की बैजिंग भी नजर आएगी सो ये आप सामने देख इसका इसकी कीमत की बात करें आपको 17.5 लाख रुपीस एक्स शोरूम इसकी कॉस्ट पड़ती है और तीन वेरियंट में आता है ये ट्रक और ये एक सिक्स व्हीलर कमर्शियल व्हीकल है और ज्यादातर आपको ये कंस्ट्रक्शन साइट पे नजर आएगा अब बात करें इसके इंजन की आपको इसमें ई फोर सिलेंडर थ्री लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है एक हॉर्स पावर और चार सौ एनएम टॉक और अब बात करें इसकी ओवरऑल ग्रॉस वेट की सो आठ हजार नौ सौ नब्बे किलो का ये पूरा ट्रक है सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस ट्रक को बाकी ट्रक से अलग करती है वो है इसकी पे लोड कैपेसिटी आप इसमें पैंतालीस सौ से पांच हजार किलो तक सामान जो है वो लोड कर पाएंगे और किसी को भी ये ट्रक बाय करना हो उत्तराखंड में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और वहां से सारी अपनी क्वेरीज जो है वो क्लियर कर सकते हैं सो so गाइज ये थी इसकी डिटेल्स अब बात करेंगे इसकी ओवरऑल लुक्स के बारे में कैसा है ये देखने में क्या फीच मिल रहे हैं आपको इस गाड़ी के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें आपको यहाँ पे इन द नजर आएगा आयशर का लोगो एंड एंड पे बड़ी सी आयशर की बैजिंग भी नजर आएगी यह है इस गाड़ी का वेरियंट प्रो बीस हेडलैम्प अलॉन्ग विद हेलोजन इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिलता है और नीचे आप देख पा रहे हैं बॉडी कलर बंपर्स एंड फॉग लैम्प का ऑप्शन भी अवेलेबल है यह आप देख पा रहे हैं जो स्ट्रिप है यह नाइट रिफ्लेक्टर एंड यहाँ पे दो वाइपर्स मिलते हैं आपको फ्रंट में नंबर वन एंड नंबर टू अब चलते हैं गाइज इसकी रियर साइड पे देखते हैं किस तरह की लुक्स हैं इसकी रियर प्रोफाइल से एंड आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करना अगर आप भूल गए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक भी करें वीडियो को सबसे पहले यहाँ पे आपको एम बूस्टर प्लस की बैचिंग नजर आएगी यहाँ पे आपका इंडिकेटर है एंड अब बात करें टायर प्रोफाइल की आपको इसमें आठ पच्चीस बाई सोलह के टायर मिलते हैं छह टायर हैं इसके अंदर एंड यहाँ से आप दरवाजा खोल पाएंगे इसका अब इसके इंटीरियर्स की बात करें गाइज आपको सामने ग्रे कलर में आपको इंटीरियर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे आप मैनुअली विंडोज का ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे हैंडल है लॉक अनलॉक बटन है एंड इस तरफ कुछ स्पेस दिया गया है एंड यहाँ पे एक बॉटल होल्डर भी मिलता है आपको इसके बारे में डिटेल में करेंगे बात थोड़ी देर बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये एयर इनटेक के लिए जो बनाया गया है यहाँ पे एक पाइप है और आपका एयर फिल्टर जो है वो नीचे दिया हुआ है ये जो आप राउंड देख पा रहे हैं दिस इज योर एयर फिल्टर और इसके पीछे की तरफ यहां पे आपका साइलेंसर दिया हुआ है यहां पे आप देख पाएंगे इसका एयर प्रेशर टैंक जो ब्रेक के लिए यूज होता है इसमें इस ट्रक के अंदर आपको एयर ब्रेक्स मिलती हैं अब बात करें इसके रियर टायर के बारे में तो सेम साइज का आपको मिलता है टायर 8.25 पॉइंट टू फाइव बाय सोलह आठ पच्चीस बाई सोला अब चेक करते हैं गाइस कि पीछे से इस ट्रक में किस तरह की लुक्स दी गई है सो ये है सामने आप देख पा रहे हैं इस तरह की लुक्स है रियर प्रोफाइल से Uh, सबसे पहले बात करें टॉप में आपको दिखाई देगी आईशर की बैजिंग यहाँ पे आपको गो प्रो लिखा भी नजर आएगा नीचे आप देखते हैं टेल लैम्प नजर आएंगे आपको एंड यहां पे एक बहुत ही मजबूत गार्ड मिलता है आपको ट्रक को बचाने के लिए और यहां पे आप देख पाएंगे इसका नाइट रिफ्लेक्टर जो लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक प्रॉपर एक आपको अच्छा खासा यहां मिल जाता है जो कि आपको रात के टाइम पे काफी सेव रखता है अब काफी लोग सोचेंगे कि इसका स्पेयर व्हील या स्टेपनी जो आप बोलते हैं वो कहां पे दी हुई है सो गाइस ऑन द टॉप ऊपर आप देख पा रहे हैं वहां पे इसका स्पेयर व्हील जो है वो आपको नजर आएगा सो so गाइज जिसको भी ये गाड़ी बाय करनी है उत्तराखंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे डायरेक्टली आप कॉल करें एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका एड ब्लू टैंक है यहाँ पे बैटरी यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील ऑयल है और पीछे आप देख पा रहे हैं इसका कूलेंट सो so, ये है इसकी डिटेल्स और यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक दिया हुआ है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 60 लीटर्स की आपको मिल जाती है इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी अब गाइस चलेंगे गाड़ी के अंदर देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं आपको ड्राइवर के लिए और को ड्राइवर के लिए पर भाइयों अंदर बैठने से पहले सब्सक्राइब का बटन अगर आप दबाना भूल गए हो सो प्लीज दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबाइए सो दैट मेरी आने वाली सभी वीडियो को आप इसी तरीके से इंजॉय कर सकें सो गाइस सबसे पहले इसमें पास मिलता है आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसका हॉर्न यहाँ आपको मिलता है एक एयर ब्लोअर यहाँ पे ग्रिप हैंडल मिल जाता है आपको यहाँ पे आपको मिल जाता है ना, सन वाइजर एंड यहाँ पे रियर व्यू मिरर है यहाँ पे लाइट्स का ऑप्शन दिया हुआ है एंड वो जो तो सामने आप मिरर देख रहे हैं वो इसलिए दिया हुआ है कि नीचे कुछ बाइक स्कूटर या रिक्शा कुछ खड़ा हो तो आप आसानी से देखिए यहां से देखना तो पॉसिबल नहीं है ना तो इसलिए आपको वहां पर दिया हुआ है सो देट आप आराम से इसको देख के अपनी गाड़ी को निकाल सके यहाँ पे अगेन एक ब्लोर मिलता है यहाँ पे फैन स्पीड कंट्रोलर मिलता है यहाँ पे आपको ट्वेल्व वोट का चार्जिंग सॉकेट है और यहाँ पे हेडलाइट एडजस्ट करने के ऑप्शन मिलते हैं यहाँ

इस आपको यहां पे इसके अंदर एक डिजिटल एम स्क्रीन भी नजर आएगी लेफ्ट साइड पे आप देख पा रहे हैं एक्सक्यूज में इसको पहले स्लो करते हैं लेफ्ट साइड पे आप देख पा रहे हैं इसका स्पीडोमीटर 140 वन हंड्रेड एंड फोर्टी किलोमीटर की स्पीड मैक्सिमम स्पीड दिखा रहा है यहाँ पे फ्यूल लेवल शो करने का ऑप्शन है गाड़ी का आर पी एम इज ऑन द राइट साइड एंड यहाँ पे हॉट एंड कूल का टेम्परेचर भी देख पाएंगे यहाँ बैटरी के ऑप्शन दिखा रहा है बैटरी एंड यहाँ पे कितने किलोमीटर गाड़ी ड्रिवन है और क्या क्या इसमें ट्रिप ए ट्रिप बी सेट करने का ऑप्शन है इस बटन से आप इसको मेन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो सेट रीसेट लैंग्वेज मेंटेनेंस पासवर्ड डायग्नोस्टिक डिस्प्ले जैसे ऑप्शन आपको नजर आएंगे क्लॉक डेट टाइम सो so सोवाइज ये है इसके कुछ ऑप्शन काफी इंटरेस्टिंग सा बनाया हुआ है इसको लाइक जो भी आ, ये ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में है या फिर जो आना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है प्राइस आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड इसके अंदर बेनिफिट्स पांच टन की आपको मिलती है पेलोड कैपेसिटी सेकेंडरी आ, ड्राइवर एंड को ड्राइवर एंड एक और को ड्राइवर दो बंदे आराम से यहाँ बैठ सकते हैं एक दिया हुआ है आपका एड्रेस वहां पे और एक एड्रेस आपको दिया हुआ है यहाँ पे वन हैंडल बार इज राइट देयर एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई हैंडल बार नहीं मिलता है आपको सो so ये है ओवरऑल इसके लुक फाइव स्पीड का मैनुअल के बॉक्स दिया हुआ है इसके अंदर यहां पे इसकी हैंड ब्रेक दी हुई है ये आप हैंड ब्रेक को देखिए ऊपर करते हैं लाइक like दिस अब उसको नीचे करने के लिए आप हल्का सा उठाना है इसको और आप इसको नीचे कर पाएंगे एंड इस बटन से जो है आप जो पूरा का पूरा आपने पीछे जो सामान लोड किया हुआ है उसको आप अनलोड कर सकते हैं उसकी मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ यहाँ से अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो पीछे वाला जो पूरा का पूरा का कैरियर है ऐसे वो पूरा का पूरा टिल्ट हो जाएगा आपका ऐसे की तरफ और नीचे की तरफ से सामान पूरा नीचे आप उसको अनलोड कर सकते हैं इन ए एजी वे सिंपल तरीके से तो ये है गाइस काफी अच्छा वेरिएंट है एनीवन वांट्स टू बाय एनी वेरिएंट ऑफ एचर इन उत्तराखंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे आप काइंडली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज वेल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म सो गाइज ये है आज की वीडियो अब चलते हैं गाड़ी के बाहर एंड पहले सुनते हैं इसके इंजन की आवाज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका क्लच ब्रेक एंड एक्सिलेटर ये आपका क्लच दबाया और गाड़ी कर दी स्टार्ट गॉड काफी काफी हैवी आवाज़ आपको आएगी बिकॉज ट्रक में बैठने की हैबिट तो किसी को भी नहीं है मेरे को भी नहीं है बट हाँ जो इस बिजनेस में है उनको पता है कि इसकी एग्जैक्टली exactly जो पावर है एंड इसकी जो साउंड है वो कितनी स्ट्रांग है राइट right, सो so इस तरह से कुछ आपको व्यू मिलेगा आगे से अब थोड़ा सा गाड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूँ देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है इसको आगे बढ़ाने ये गाड़ी करी मैंने फर्स्ट गियर में इसका जो फर्स्ट गियर है वो पीछे की तरफ है रिवर्स इसका आगे की तरफ है तो ऑल राइट

एंड गाइस जो हैंड ब्रेक के पीछे आप बटन देख पा रहे थे जिससे मैं कह रहा था कि आपकी जो सामान अनलोडिंग करने के लिए जो बटन प्रेस होता है वो इस तरीके से आप उसको अनलोड कर पाएंगे आप बटन अंदर से प्रेस करेंगे सो इस तरह का इसका जो तो कैरियर है वो टिल्ट होके स्टांटिंग पोजीशन में आ जाएगा सो दैट आपका जो सामान है सारा का सारा वो ईजिली अनलोड हो जाए हाइड्रोलिक्स के साथ मिलता है आपको ये सो बहुत ही ईजी हो जाता है सामान अनलोडिंग करने के लिए अब इसके पास चलें तो आपको दिखाता हूँ इसके हाइड्रोलिक्स पांच के किलो की इसकी पेलोड कैपेसिटी है जो कि काफी अच्छी है और इस तरीके से आपको मिलता है इसका कैरियर अब दिखाते हैं आपको इसके हाइड्रोलिक्स आप देख पा रहे हैं और यहां पे दिया गया है इसका इंजन जो भी छोटा मोटा कभी कुछ काम कराना हो आपके इंजन में तो इस तरह से आप इसके इंजन में आराम से काम करा पाएंगे और सामने ही आप देख पा रहे हैं इसके हाइड्रोलिक्स so, ये है गाइस एशर 2080 एटी एक्स व्हीलर कमर्शियल व्हीकल इंजन मिलता है आपको इसके अंदर E474 फोर सेवन फोर फोर सिलेंडर थ्री लीटर का डीजल इंजन प्रोड्यूस करेगा 140 सौ चालीस हॉर्स पावर और 400 सौ एन एम टॉक ग्रॉस व्हीकल का जो वेट है वो है आठ हजार नौ सौ नब्बे किलो और इसके अंदर आप पैंतालीस सौ से पाँच हजार किलो तक सामान जो है वो लोड कर सकते हैं पेलोड कैपेसिटी बहुत अच्छी है इसकी और किसी को भी ये व्हीकल भाई करना हो उत्तराखंड में आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो उनसे आप पूछ सकते हैं So, ये थी गाइस आज की वीडियो आई होप आपको जरूर पसंद आई होगी सब्सक्राइब का बटन दबाना अगर आप भूल गए हो तो so प्लीज दबा दीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस करें सो so दैट आने वाली मेरी सभी वीडियोस को आप इसी तरीके से एंजॉय कर सकें सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ टिल देन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टेक केयर ड्राइव सेफ गॉड ब्लेस जय हिंद